नमस्कार दोस्तों, धर्म न्यूमरोलॉजी में एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जिनका नाम अंग्रेजी के लेटर वी से शुरू होता है। तो आइए जानते हैं ये लोग नेचर में कैसे होते हैं, फैमिली के साथ में कैसे होते हैं और करियर में ये कहाँ पर जा सकते हैं। वी नाम वाले लोग जो होते हैं वो दिल के साफ होते हैं, इनके मन में मैं नहीं होता। इनकी पारिवारिक ज़िंदगी और वैवाहिक जीवन जो बोलें तो दोनों अच्छा होता है, लेकिन इनके अंदर एक कमी ये पाई जाती है कि ये जल्दी बोर हो जाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के। बार बार ये चीज़ों को लेकर के बोर हो जाते हैं, मतलब इनको हर हमेशा कुछ न कुछ चीज़ें नहीं चाहिए, एक किसी चीज़ के अंदर ये ज़्यादा समय तक नहीं रह पाते हैं। ये लोग ज़िद्दी और आलसी भी होते हैं, लेकिन समय आने पर अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से निभा लेते हैं। लेकिन सामाजिक लेवल पे बात करें या सोशल लाइफ की बात करें तो कहीं ना कहीं वहाँ पे इनको थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है, थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है, उनको लेकर के नेगेटिव बातें चलती रहती है। लेकिन ये होते आलसी भी हैं और काम भी करते हैं, बट डिपेंडेबल है कि सिचुएशन है तो ये काम करेंगे, नहीं तो ये रेस्ट करना ज़्यादा पसंद करेंगे। वी नाम वाले अपने बलबूते पर लाइफ में आगे बढ़ने वाले होते हैं। ये लोग ज़िद्दी भी होते हैं, अग्रेसिव भी होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड भी होते हैं। और ये क्या करते हैं कि जब किसी के क्लोज़ हो जाते हैं या जिन लोगों के साथ में ये अच्छे से सेट हो जाते हैं उनके साथ में ये अच्छे से रहेंगे, और ये अपना आत्मसम्मान के साथ में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इनका जो आत्मसम्मान है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, अगर उसके ऊपर किसी ने अटैक किया तो ये फिर उनके साथ में बहुत बुरे व्यवहार के साथ में पेश आएंगे और उनको किसी भी हद तक निपटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जब भी वी नाम वाले आपको मिले तो उनके सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखिएगा। वी नाम वालों की एक और चीज़ की बात करें तो, क्योंकि ये थोड़े से एगोस्टिक होते हैं, थोड़ा सा इनमें घमंड होता है, इनको लगता है कि इनका नॉलेज बहुत अच्छा है और ये जल्दबाजी में, गुस्से में कई बार गलत फैसले ले लेते हैं। उसके बाद में इनको एहसास भी होता है। इनकी यारी दोस्ती की भी बात की जाए तो इनके पास में सच्चे दोस्त कम ही होते हैं। जो भी दोस्त होते हैं उनके साथ में कहीं ना कहीं इनका ईगो बीच में आ जाता है और कई बार अपने गुस्से और अपने रवैये के कारण इनकी दोस्ती टूट जाती है। वी नाम वाले खुले ख्यालों के होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को स्वतंत्र तरीके से जीना पसंद करते हैं, अपनी स्टाइल में अपने तरीके से लाइफ को जीना पसंद करते हैं। और इनके लिए सिर्फ एक ही तकलीफ है लाइफ में कि इनको अपने गुस्से पे किसी भी हालत में कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि वी नाम वालों के ऊपर मंगल थोड़ा प्रभावी होता है, तो उस कंडीशन में उनको अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखना होगा। रेस्ट इनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। वी नाम वाले अपनी फीलिंग सबको बताना ठीक नहीं समझते हैं, वो इंट्रोवर्ट होते हैं थोड़ी से, लेकिन वो लोगों की भावनाओं की कद्र करते हैं, लोगों की फीलिंग्स को वो अच्छे से समझते हैं, बट खुद को लेकर के वो इंट्रोवर्ट होते हैं, सबके साथ अपनी फीलिंग को नहीं शेयर करते हैं। वी नाम वालों के रिलेशंस की बात करें तो अक्सर ये देखा गया है कि वी नाम वाले लोगों जो भी लोग हैं उनके अपनी मम्मी के साथ रिलेशन अच्छे होते हैं, लेकिन वी नाम वाला अगर कोई लड़का है तो उसके पेरेंट्स के साथ में उसके रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं, भाइयों के साथ भी रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं। ये एक देखा गया है वी नाम वालों के बारे में। इनके सिर्फ रिलेशन मम्मी के साथ में ही अच्छे होते हैं, बाकी सब जगह पे इनके रिलेशन उतने अच्छे नहीं कहे जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों में हमेशा एक ही चीज़ का वी नाम वाले ध्यान रखें कि अपने गुस्से को कुछ भी करके कंट्रोल करें या फिर अपना जो मंगल है मंगल को थोड़ा सा शांत करें। अगर आप मंगल को शांत कर लेते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत ही शांति और सुकून हो जाएगा। तो ये था दोस्तों वी नाम वाले लोगों के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप इसको अपनी लाइफ से कनेक्ट कर पाए होंगे, और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। धर्म न्यूमरोलॉजी में बने रहने के लिए शुक्रिया दोस्तों।